तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही सही चीज लाया हूँ। तो बात यह है कि मैंने एक ऐप बनाया है आप लोगों के लिए, वो है एक वॉलपेपर ऐप जिसमें आपको सारे एनिमेज मिलेंगे, जैसे कि ड्रैगन बॉल जी, नारुतो, माय हीरो एकेडमिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसमें आपको मार्वल, डीसी और गेमिंग के वॉलपेपर्स भी मिलेंगे और सब कुछ HD और 4K में है। तो जाओ, मैंने नीचे ही लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर लेना। प्लीज़ दोस्तों, इस ऐप को सपोर्ट करना, प्लीज़ जाओ और अभी डाउनलोड ज़रूर करना। तो अब दोस्तों, बहुत हो गई बातें, अब आते हैं मेन टॉपिक पर। तो भाइयों, आज हम देखेंगे ड्रैगन बॉल इन्फिनिटी का पार्ट 8। आज के पार्ट में बहुत चीज़ें रिवील होने वाली है, इसीलिए आज का पार्ट एंड तक ज़रूर देखना। तो गाइस, अब हमेशा की तरह जिसने इस मांगा के पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं, इसके मैंने कुछ 7 पार्ट बना लिए हैं, तो पहले वो देखना, वरना आपको आज वाला पार्ट बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो अब दोस्तों, नो मोर डिस्कशंस, अब जाते हैं अपने मेन वीडियो की तरफ। दोस्तों, लास्ट वीडियो में सब बोल रहे थे कि ब्रॉली वाली मूवी की टाइमलाइन कहाँ से आ गई। देखो दोस्तों, जब बीट्स ब्रॉली के सेन पॉड के साथ साथ टाइमा के पॉड को भी स्पेस में भेज रहा था, तो ब्रॉली का पॉड तो प्लेनेट वाम्पा चला गया था, पर टाइमा का पॉड एक टाइम वॉर्टेक्स में से गुजरता है और वहाँ से बाहर निकलता है। तो टाइमा समय में बहुत पीछे चला जाता है और उसका पॉड लैंड करता है बीरस के होम प्लेनेट पर, जहाँ बीरस और चांपा जब बच्चे होते हैं। आई होप अब कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। देखो यार, पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वो जो दूसरा कैदी है जो ब्रूड के साथ रहता है, वो टाइमा को मिराई के पास टेलीपोर्ट करके ले आता है। तो टाइमा पूछता है, मैं यहाँ क्यों हूँ? तो मिराई उसको सब बताने वाला होता है। तो अब आगे, यहाँ मिराई टाइमा को बताता है कि तुम्हें पता है, जब तुम इस प्लेनेट पर आए थे वो आखिरी दिन था कि जब मेरा भाई मुझसे खुद मिलने आया करता था, लेकिन अब तो मेरा भाई हाल ही में इस आइलैंड पर आता तो है, पर अपने आदमियों को भेजता है इस वाटर को लेने, ताकि वो मुझे अवॉइड कर सके। तुम्हारे आने से पहले वो खुद आया करता था और हमारी बहुत कम ही लड़ाइयाँ हुआ करती थी कि लोगों पर शासन कैसे करेंगे। अब तो वो तब भी आता है जब उसे मेरी ज़रूरत होती है, और अब तो उसकी टेक्नोलॉजी को जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो भी अधीम रूप से हमारे टेक्नोलॉजी से काफ़ी अलग है। उसके पिरामिड्स को अब श्रम की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि बैटरीज का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। वो ये सब चीज़ों को बदल सकता है पर वो नहीं करता। वो अपने लोगों को मारता है और गालियाँ देता है। मैंने अपनी आवाज़ उठाई थी इन चीज़ों पर उसने कहा, ये लोग मजबूत लोग हैं, वो भी मेरे शासन के कारण, पर असलियत तो ये है कि वो लोगों को मैनिपुलेट कर रहा है और उसमें तुम भी आ गए हो टाइमा। तो टाइमा बोलता है, क्या कहना चाहते हो तुम? तो मिराई कहता है, हर दिन हर वक्त वो तुम्हारी हर चीज़ों को यूज़ करता है और ये सब करने का एक ही उद्देश्य था। तो टाइमा बोलता है, क्या? उसके बाद आगे मिराई बताता है, जिस दिन तुम आए थे उस दिन मेरी और मेरे भाई की मुलाकात हुई थी और हम दोनों ने फाउंटेन का पानी पिया था, और मैंने सबसे ताकतवर दृश्य देखा था भविष्य का, जो मैंने कभी विटनेस नहीं किया था। उसमें मिराई बताता है कि मैंने 2 देवता देखे, वो भी भविष्य के, जो राजा नूब के वंशज हैं, और उसमें एक भी नहीं 2 देखे मैंने, और वो 2 कोई ऐसे वैसे देवता नहीं है, वो है तबाही के देवता, गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, और मैंने राजा नूब को सिर्फ बताया है कि एक गॉड है। तो टाइमा कहता है, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन? तो मिराई कहता है, उसकी पिछली प्रजा ने भी यही दृश्य देखा था गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का, और अब तो राजा नूब को इस बात का जुनून सवार हो गया है, और जब उन्हें मालूम पड़ा कि उनके वंशज में से एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनेगा, तब तो वो और घबरा गए। फिर उन्होंने सोचा, इससे तो उन्हें राजा का पद से हटा दिया और हरा दिया जाएगा। तो टाइमा कहता है, इससे मेरा क्या लेना देना है? तो मिराई कहता है, इसके जवाब तुम हो। जब तुम उसके दरवाजे पर आए तो उसने तुम में ऐसी क्षमता देखी जिससे उसे लगा कि यही है जो उसे बचाएगा उसकी किस्मत से, इसलिए उसने तुमसे रोज काम करवाया जिससे तुम ताकतवर बनते जाओ। जब उसने तुम्हें इस आइलैंड पर भेजा, वो तुम्हारी वफादारी को देख रहा था
और जिस दिन उसने तुम्हें बीरस के बाप के साथ लॉक किया, उसे सब कुछ पता था। वो हर चीज को कंट्रोल कर रहा था, तुम्हारी हर जिंदगी के पहलू को। और उससे उम्मीद है कि तुम ही हो जो उसे राजा के पद से हटाएगा, उसे तुम ही मारोगे। उसे यकीन था कि बीरस का बाप गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनेगा। तो यहाँ टाइमा कहता है, मुझे अब पता नहीं मैं क्या कहूँ। एक मिनट, पर ब्रूड यानी बीरस का बाप ही क्यों? वो तो राजा नूप से ताकतवर नहीं है। तो मिराय कहता है, बात यह है कि वो राजा कमजोर होता जा रहा है साल के खत्म होते होते। फाउंटेन का पानी भी अब उस पर ज्यादा असर नहीं हो रहा। हम लोग सबसे पहली पीढ़ी थी और सबसे ताकतवर भी बहुत समय तक। हमें वाटर की जरूरत भी नहीं पड़ती थी, लेकिन ब्रूड बहुत ज्यादा शक्तियों के साथ पैदा हुआ पहली पीढ़ी के मुकाबले, और ब्रूड के बच्चे भी असीम शक्तियों के साथ पैदा हुए। ये सब राजा नूप को पता था कि बिना फाउंटेन वाटर के वो उससे हार जाएगा, और उसने तुम दोनों को इसीलिए लड़ाया कि वो टेस्ट कर रहा था जिससे वो तुम्हारी अंदरूनी ताकत और पूरी शक्तियों को देख सके। अब यहाँ टाइमा बोलता है, मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा मैं ही क्यों, मुझ में ऐसी कौन सी खास बात है। तो मिराय कहता है, ये भी पूछने वाली जैसी बात है क्या? तुम साल के साथ साथ बहुत ताकतवर बनते जा रहे हो, और अभी तो तुमने सारी हदें तोड़ दी है। तुम अब तुम्हारी ताकत में बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंच चुके हो। तुम खास हो जो तुम्हें भी नहीं पता, कुछ कारणों की वजह से। तुम जितना लड़ोगे उतना ताकतवर होते जाते हो। मैंने ये नोटिस किया है और राजा नूब ने भी ये नोटिस किया ही होगा। और अब देखकर लगता है तुम अपनी भारी चोट से ठीक हो चुके हो। अब तुम पहले से भी ज्यादा ताकतवर लग रहे हो, और राजा नूब को लगा होगा कि तुम में भी ब्रूड के बच्चों जितनी ताकत है। अब वो तुम्हें यूज करके अपने एम्बिशंस को पूरा करेगा। यहाँ टाइमा कहता है, उससे अब इसका भुगतान भरना पड़ेगा इन सब चीजों का, और खासकर मेरी माँ का। अब मिराय कहता है, डरने की बात नहीं, तुम्हारी माँ तो जिंदा ही होगी। वो राजा तो बस मजाक कर रहा था, वो तुम्हारी माँ को तुम्हारे अगेंस्ट ही इस्तेमाल करेगा। यहाँ टाइमा बोलता है, मेरी माँ जिंदा है, मुझे अभी उनके पास जाना होगा। तो मिराय कहता है, नहीं अभी अब तुम तैयार नहीं हो, तुम्हें अब बहुत चीजें सीखना है जिससे तुम उसे हरा सको, और मुझे तुम्हारी मदद भी चाहिए। दुर्भाग्य से मैं अब इतना ताकतवर नहीं हूँ कि मैं इस फाउंटेन ऑफ द गॉड्स को खत्म कर सकूँ। अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा मेरे लोगों के तरीके, और तैयार करूंगा आने वाले युद्ध के लिए, और अब तुम्हें सीखना होगा आर्ट ऑफ हेकी। टाइमा बोलता है, आर्ट ऑफ हेकी ये क्या है? मिराय बोलता है, ये एक जादुई रूप है जो की एनर्जी फॉर्म को यूज करता है असीम शक्तियों के कारण। मैं उम्मीद करता हूँ तुम लड़ाई के लिए तब तक तैयार हो जाओगे, और उसके बाद हम फाउंटेन ऑफ कोर्स को खत्म कर देंगे। टाइमा कहता है, मेरी माँ को बचाने के लिए तो कुछ भी, मैं तैयार हूँ। अब मिराय कहता है, पकड़ कर रखना, मैं तुम्हें अब टेलीपोर्ट करके वहां ले जा रहा हूँ। अब दोस्तों उन लोग सिटी ऑफ सूप पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट पेज में मिराय कहता है, जाओ शहर घूमो और आज के लिए आराम करो, तुम्हें बहुत चीजें सीखनी है। फिर दोस्तों यहाँ टाइमा शहर में घूमता है, फिर उसे यहाँ रूसो मिलता है। तो टाइमा कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो रूसो कहता है, लंबी कहानी है पर मैं शॉर्ट में कहता हूँ, मेरे पिता को जेल में डाल दिया गया है क्योंकि उन्होंने थॉट से फंगा ले लिया, और उन लोग ने मुझे यहाँ रख दिया मेरी देखभाल के लिए। मुझे बस इतना ही याद रखना है ये स्वॉर्ड को देखकर। चलो छोड़ो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? काफी ही बदल गए हो। बदल गए हो? ओह शिट, रूसो को याद आता है कि टाइमा एक जायंट एप में बदल गया होता है। तो वो उसे बोलता है, तुम अब वापस उस मॉन्स्टर में तो नहीं बदलोगे ना? तो टाइमा कहता है, क्या बोल रहे हो? तो रूसो कहता है, अरे कुछ नहीं, भूल जाओ उसे मैंने जो भी कहा। फिर दोस्तों उसके बाद दोनों घूमते हैं, पार्टी वार्टी करते हैं, और उसके बाद गाने वाने गाते हैं। फिर टाइमा अपनी बचपन की कहानी बताता है वगैरह वगैरह। फिर दोस्तों ये सब हो जाने के बाद मिराय आता है और कहता है, अब लगता है तुमने बहुत आराम कर लिया है, तो सही है, चलो अब काम पर चलते हैं। तो टाइमा एकदम अचानक फुर्ती में आ जाता है और कहता है, ठीक है। फिर दोस्तों लास्ट पैनल में हम देख सकते हैं एक बड़े से पिरामिड को। अब दोस्तों हमेशा की तरह इसके आगे का चैप्टर अब तक आया नहीं है, जैसे ही आज जाएगा मैं बना दूंगा, तब तक के लिए वेट जरूर करना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब वीडियो पसंद आया हो
तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो अब दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय सायोनारा।